Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you and here comes with you a new video on the topic of your 7th lesson, that is more on paint. Okay, so I give you just simply two videos. In these two videos the whole lesson is covered, but in this third video you got your last topic of your lesson. Okay, so basically we are going to discuss about the closing paint window. Okay, but before starting this video, I am going to just simply gonna have a request for you so that you can just simply make it and complete it. Okay, so the task is, if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So let's get started with the today's topic. So the first is closing paint window. Okay, so how could we just simply after finishing our painting work over the MS Paint, how could we just simply close the MS Paint window? So here are some steps by which we can just simply close the paint window. Okay, तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पेंट विंडो को बंद किया जाता है. देखो, जैसे हम लोग अपने जैसे स्कूल वाले सर का काम कंप्लीट करने के बाद या ट्यूशन वाले सर का काम कंप्लीट करने के बाद कॉपियों को बंद कर देते हैं और उनको एक सही जगह पर रख देते हैं, तो ऐसे ही जब हम लोगों का पेंट, जब हम लोग कंप्यूटर पर पेंट करते हैं और करते करते हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करना है, अब हमें उसको भी बंद करना होता है. तो बंद करने के लिए अब मैंने आपको खोलना तो सिखा दिया कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, वहाँ पर पेंट टाइप करो और एंटर बटन दबाओ, आपका पेंट सॉफ्टवेयर खुल जाएगा. लेकिन अब उसको बंद भी तो करना आना चाहिए. आपने भाई अपना पेंटिंग बना ली, पेंटिंग बनाने के बाद आपने उसको सेव भी कर दिया. अब सेव करने के बाद अब आपका मन नहीं है या आपको किसी और काम को करना है, देन यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लोज दैट विंडो. एंड हाउ कुड यू डू दिस, सो फॉलो दिस स्टेप्स. आफ्टर दैट यू विल गेट होल नॉलेज दैट हाउ कुड यू जस्ट सिंपली क्लोज द पेंट विंडो. तो इन ऑर्डर टू क्लोज द पेंट विंडो, फर्स्ट क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. और ओके, यानी कि ये कह रहे हैं कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर, यानी कि राइट साइड के जो टॉप ऊंचे हुए कॉर्नर पर आपको एक क्रॉस बटन दिखाई देगा, ठीक है, लाल कलर का. आपको उसको क्लिक कर देना उस पर जाके माउस को, और आप पाएंगे कि आपकी जो विंडो है, पेंट विंडो, वो बंद हो गई है, ठीक है. या फिर यहाँ पर दूसरा आपको तरीका बताया गया है. क्या बताया गया है, क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम इट. यानी जहाँ से आपने अपनी फाइल को सेव किया था पेंट बटन पर क्लिक करके, वहीं पर आप सबसे नीचे एग्जिट बटन का भी ऑप्शन पा सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं. और एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप इसको बंद कर सकते हैं. तीसरा, वो बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ. तो जो तीसरा तरीका है वो शॉर्टकट है, उसमें आपको सिर्फ Alt प्लस F4 दबाना है. कौन सा बटन, Alt की, ALT Alt एंड F4. सबसे आप कीबोर्ड में देखेंगे सबसे टॉप पर F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे करके F12 तक लिखा होगा. तो आपको Alt प्लस F4 की दबानी है और आपकी जो पेंट विंडो होगी वो बंद हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपनिंग द सेव्ड ड्राइंग, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोगों का दूसरा टॉपिक है कि अब जिस फाइल को, सपोज़ मैंने आज फाइल बनाई, लेकिन कल, सपोज़ जैसे आपने आज फाइल बनाई, ठीक है, और कल आपने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने एक पेंटिंग बनाई है घर पर अपने कंप्यूटर पर, आपको उसको चेक करना है, आपको उसको देखना है वो कैसी बनी और आपको मुझे बताना है सर. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा, मैं देख लूँगा. अब मैं जब कल आया तो आप उस जो फाइल को आपने सेव किया है, आप उसको ओपन कैसे करेंगे मेरे सामने. तो उस फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. आप उन स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी. कैसे, तो द ड्राइंग दैट यू हैव सेव्ड कैन बी ओपन एनी टाइम इन द फ्यूचर. टू ओपन अ सेव ड्राइंग फर्स्ट, ओके, यानी कि कोई भी फाइल जो आपने पास्ट में सेव की थी, यानी पिछले समय में आपने बना करके उसको सेव किया है, वो फाइल कभी भी फ्यूचर में आप उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स. यानी कि अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं, देन यू कैन यूज़
that while in the future as well as, okay. So first topic is, sorry, not the first topic, the first point is that first open Paint by clicking the start all program accessories and paint. That's a very long procedure and a bullshit, so you have to just simply do one thing, simply press the window key from your keyboard and after that type paint, okay, paint. You have to just simply type paint and after that press the enter key and you will find that your MS Paint, Microsoft Paint will open, Microsoft Paint window will open in front of you in a pop-up style, okay. So this is a very shortcut trick, yani ki agar isme jo likha hai agar aap iske according chalenge to to bahut lamba chala jayega, theek hai. To isliye aapko agar shortcut mein kaam karna hai then you can just simply use the keyboard only. Keyboard par aapke start button diya gaya hai, start menu key, aapko usko press karna hai और इसके बाद उसमें सीधे पेंट टाइप करना है, पेंट की स्पेलिंग paint एंड आफ्टर दैट एंटर की को दबा देना है. जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे आपकी पेंट विंडो जो है MS Paint यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो जो है वो पॉपअप स्टाइल के साथ खुलेगी आपके सामने, ठीक है. अब उसके आगे क्या करना है, क्लिकिंग ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन, जहाँ से आपने फाइल को सेव किया था, जहाँ से आपने MS Paint को क्लोज किया था, आप उसी पेंट बटन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर, ठीक है, दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ओपन ऑप्शन मिलेगा. कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ओपन ऑप्शन. ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये विंडो कुछ खुलकर सामने आपके आ जाएगी, ठीक है. इसके बाद क्या करना है, द ओपन विंडो appears. Select the location where the file is saved. Select the file name that you have saved from the list. Click on the open button. You will find the same drawing. This is also a very big process. Okay. यहाँ पर भी एक ये lengthy process उन्होंने बताई है, but मैं आपको short trick बताऊँगा क्योंकि लिए ये that's my duty. So सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अब चूँकि आपके कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स होंगी तो आप अपनी फाइल कैसे ढूँढेंगे, क्योंकि आपने अपनी फाइल जब कल सेव की थी तो उसमें आपने कुछ नेम डाला होगा, ठीक है. तो बस आपको वही नेम जो है, यहाँ दिख रहा है फाइल नेम, लिखा है फाइल नेम में लिखा है प्रिंट ड्राइंग, लिखा है प्रिंट ड्राइंग या फिर पेंट ड्राइंग, ड्राइंग लिखा है माइट भी, जो कुछ भी हो, क्लियर फोटो नहीं है थोड़ी सी. तो यहाँ फाइल नेम वाले बॉक्स में आपको उस फाइल का नाम लिखना है जो आपने फाइल नेम डाला था, ठीक है. जिस फाइल नेम से आपने उस फाइल को सेव किया था आपको वही फाइल नेम इस फाइल नेम बॉक्स में डालना है और उसी के जस्ट नीचे ओपन बटन लिखा उस पर क्लिक कर देना. नहीं करना क्लिक तो एंटर बटन दबा देना. जैसे ही एंटर बटन आप दबाएंगे आपकी जो सेव्ड फाइल थी वो ओपन हो जाएगी. बस नेम, जो भी फाइल की नेम की स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए. अगर आपने माई पेंटिंग के नाम से लिखा है या सेव किया है तो आप लिखना MYMY और पेंटिंग paint पेंटिंग एंड आफ्टर दैट आप पाएंगे, जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे वो ओपन बटन पर आप क्लिक करेंगे माउस से, आप पाएंगे कि आपकी वही पेंटिंग जो आपने कल सेव की थी वो आपकी आपके सामने ओपन हो जाएगी, ओके. नाउ आफ्टर दैट एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि अब सपोज जैसे एक ये भी केस बन सकता है, जैसे आज आप कोई कार्ड सॉरी कोई ड्राइंग बना रहे थे और सपोज़ मैं आपको ट्यूशन पढ़ाने आया या कोई भी आपके सर आपको ट्यूशन पढ़ाने आया या कोई ऐसा काम जिसके कारण आपकी पेंटिंग अधूरी रह गई और आपने उसको वैसी मतलब जितनी आप बना पाए आपने उसको उतनी बना करके सेव कर दिया और छोड़ दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया. अब अगले दिन जब आप फिर से कंप्यूटर चलाने बैठे तो आपको वही पेंटिंग दोबारा से बनानी है क्योंकि उसको कंप्लीट करना है, वो तो अधूरी रह गई थी. तो अब वही पेंटिंग आप दोबारा से कैसे बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसी में एडिटिंग कैसे करेंगे. तो अगर आपने ये स्टेप्स सीख लिए तो आपको ये भी आ जाएगा. तो सिलेक्ट टूल, ओके, तो यहाँ पर सिलेक्ट टूल के बारे में बताया गया है. द एडिटिंग सॉरी द सिलेक्ट टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर दैट वी वांट टू चेंज, यानी कि अब हम सिलेक्ट टूल के मदद से हम उस ड्राइंग के कोई किसी भी पार्ट को चूज कर सकते हैं जिसको हमें एडिट करना है,
ठीक है, यानी कि जिस भी हिस्से को हमें एडिट करना है, जो हिस्सा हमारा बकाया रह गया था, हम इस सिलेक्ट टूल से उसको सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन के बारे में आप क्लास थर्ड में जानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हो जाता है। वैसे ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन अब मैं आपको इसमें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये सिलेक्ट टूल जो है, जिसके कारण आप जो है किसी भी पिक्चर के एक छोटे से भाग को, पार्ट को सिलेक्ट करके उसको आप इंक्रीज़, उसका साइज़ को इंक्रीज़ करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एंड आफ्टर एडिटिंग आप उसको एज इट इज़ वहीं पर ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपने उसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, नाउ ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर, नो सॉरी, फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन द सिलेक्ट टूल ऑन द इमेज ग्रुप। अब आपकी जो पेंट विंडो ओपन होगी, उस पेंट विंडो में से आपने अपनी फाइल ओपन कर ली। ठीक है, फाइल ओपन करने का तरीका आपको पता ही चल गया कि किस तरह से फाइल को ओपन किया जाता है। आपने फाइल अपनी वही पुरानी वाली फाइल निकाल ली, जिस फाइल को आपको एडिट करना था, ओपन करके, ठीक है, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके। अब जब फाइल आपके सामने विंडो पर आ गई है, इसके बाद आपको क्या करना है, रिबन जो पहले आपको बताया था, उस रिबन में जाके आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिबन में क्लिक करेंगे, सॉरी रिबन में क्लिक नहीं करना, रिबन आपके सामने आपकी पेंट विंडो में दिखाई देगी। उस रिबन में आपको कहीं पर इमेज ग्रुप फाइंड करनी है। ठीक है, इमेज ग्रुप में आप देखेंगे वहाँ पर कहीं लिखा होगा सिलेक्ट टूल, आपको उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट टूल क्लिक करते ही इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जहाँ पे लिखा होगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल एंड मेनी मोर ऑप्शंस आर देयर। तो आपको उसमें से सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को चूज़ करना है। ठीक है, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी सिलेक्टेड, यानी अब अपनी ड्राइंग के उस हिस्से पर अपने माउस के पॉइंटर को लेकर के जाइए जहाँ पर आपको, जिस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। नाउ क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जितना हिस्सा आपको सिलेक्ट करना है, उतने हिस्से पर आप अपने माउस को खिसकाइए, ड्रैग करिए। ड्रैगिंग मतलब क्या होता है, खिसकाना। जैसे ही आप लेफ्ट माउस, लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट बटन, जो माउस का लेफ्ट बटन है, आप उसको दबा करके, होल्ड करके आप जब माउस को खिसकाएंगे, तो आप पाएंगे कि उतने हिस्से में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया होगा। ठीक है, और उतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। ठीक, नाउ रिलीज द माउस बटन व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली सिलेक्टेड। अब आप उस हिस्से को छोड़ दीजिए, मतलब माउस को, बटन को छोड़िए। जैसे ही आप छोड़ेंगे, तो आप वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि वो हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। अब आप उसके साथ कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपको एडिटिंग करनी है, आप वो एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको उसमें ड्राइंग करनी है एक्स्ट्रा, तो आप उसको ड्रा कर सकते हैं, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ अदर कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो कुछ भी उसमें करना है, आप वो सारा वर्क उसमें कर सकते हैं। नाउ रिसाइजिंग एंड स्क्वीइंग द पिक्चर। अब रिसाइजिंग और स्क्वीइंग मतलब क्या होता है, रिसाइजिंग मतलब तो यही हो गया कि किसी भी पेंटिंग को उसका साइज़ छोटा या बड़ा करना, देखते हैं क्या होता है। द साइज़ ऑफ अ पिक्चर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जैसे हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो सीधी किताब रखते हैं, अगर हम उसको कैसी कर दें, मतलब आपको मैं बताऊँ, जैसे कि आप जो पेंसिल पकड़ते हैं तो वो आप सीधी पकड़ते हैं, नहीं ये भी सही नहीं होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये आप जो पेज साइज़ देख रहे हैं, ये वर्टिकली है। ठीक है, ये कैसा पेज है, वर्टिकली पेज है, जबकि अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूँ तो ये क्या हो गया, ये अब हॉरिजॉन्टली हो गया। कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये मतलब वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा, और हॉरिजॉन्टली मतलब 180 डिग्री लेटा हुआ। ठीक है, तो ये वर्टिकली हो गया और ये हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टली में, सॉरी वर्टिकली में देखते हैं। अभी हम लोग जो पेज पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, वर्टिकली पढ़ रहे हैं। तो रिसाइजिंग एंड स्क्वीइंग, तो सिलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सिलेक्ट टूल। नाउ आफ्टर दिस, ओके अगेन, क्लिक ऑन एनी ऑफ इट्स कॉर्नर, द रिसाइज हैंडल विल अपीयर। ठीक है,
अब आपके जैसे ही आप उस ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। उस ड्राइंग के आसपास आपको कुछ अबाउट 9 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 8 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, 8 ओनली। तो अब आप उन 8 पॉइंट्स के ज़रिए उसको लेफ़्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, किसी भी साइड आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द हैंडल इनवर्ड टू डिक्रीज द साइज, ड्रैग आउटवर्ड टू इंक्रीज द साइज। अगर आपको उसका साइज बढ़ाना है तो आप उसके आउटवर्ड ले जाइए, ठीक है, यानी कि जो शेप है उसके आउटवर्ड लेके जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो साइज़ घटेगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको कंप्यूटर लैब लेकर जाऊँगा, कंप्यूटर लैब में आपको मैं इस चीज़ के बारे में बोली। ये बेटा एक प्रैक्टिकली चीज़ है, इसको मैं बोल कर तो बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको प्रैक्टिकली ही समझाया जा सकता है, ओरली नहीं बताया जा सकता, ठीक है। मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेवन्थ। अब इसके बाद जो उसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, तब तक आप वेट करें, ठीक है। बस जाते जाते एक बात फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उस लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट कर लें। ऑल को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे वीडियो ही नहीं मिलती, आप वीडियो डालते ही नहीं हो आप। बहुत से गार्जियंस कहते हैं कि सर आप पढ़ाते ही नहीं हो। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल को सिलेक्ट करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करेंगे तभी ना आपको मिलेगी। तो करिए इस चीज़ को, ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।